हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हेरिटेज फूड्स का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और इसके अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक मोमेंटम कर सकता है और आने वाले टाइम में स्टॉक की क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से स्टॉक घूमेगा और इसके अंदर क्या स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक की एक मुझे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन निकल के आते हुए दिख रही है दोस्तों, जिसका स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट टाइम स्टॉक ने एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास से सपोर्ट लेते हुए अपने को देखने के लिए मिला था। उसके बाद में सेकंड टाइम एक्जैक्टली यहीं पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। थर्ड टाइम की बात करें दोस्तों तो एक्जैक्टली अभी स्टॉक अपने को लकीली ट्रेंड लाइन के पास ही मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है, एक स्टैटिक सपोर्ट की बात करें तो एक स्टैटिक ट्रैपिंग लेवल निकल के आ रही है, जो इसकी एक्जैक्टली 150 वाला एरिया जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टॉक के लिए। प्रीवियसली अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो स्टॉक जैसे ही इसके नीचे आ रहा था ना दोस्तों, कंटिन्यू ट्रैपिंग का काम कर रहा था, स्टॉक प्राइस ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई और जैसे ही इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हुई ना, एक बहुत बड़ी स्पाइक देखने के लिए मिली। उसके बाद में अपन लोग देखेंगे तो इसके अंदर कंटिन्यू डाउन साइड आई, उसके बाद में यहाँ पे एक फिर से ट्रैपिंग की गई और स्टॉक इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसका 150 रुपीज का एरिया, तो इसी लेवल के आसपास हेरिटेज फूड्स घूमने की ट्राई कर सकता है और आने वाले टाइम में हेरिटेज फूड्स के अंदर आप लोगों को बढ़िया टारगेट्स निकल के देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी आपको अपन इसके अंदर अगर एंट्री का प्लान करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा इसके अंदर। तो अपने इसके अंदर स्टॉप लॉस की बात करें तो नियर बाय 125 रुपए के आसपास तक के स्टॉप लॉस इसके साथ आने वाले टाइम में बढ़िया गेन मुझे हेरिटेज फूड्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। मिनिमम टारगेट की बात करें दोस्तों तो 250 रुपए तक के टारगेट में हेरिटेज फूड्स के अंदर प्लान कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में आप लोग हेरिटेज फूड 250 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिख सकता है। मल्टीपल टारगेट इसके अंदर हम सेट करने वाले। फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 190 वाला एरिया जो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है। उसके बाद में सेकंड टारगेट की बात करें दोस्तों तो 250 रुपए के आसपास का एरिया। एंट्री पॉइंट की बात करें तो 150 के आसपास और स्टॉप लॉस की बात करें तो 125 के आसपास स्टॉप लॉस देने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। इसी तरीके के एनालिसिस दोस्तों डेली अपने चैनल के ऊपर मैं लेके आता हूँ और रीजन के साथ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसके अंदर आप लोगों को बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।